योगी शासन में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नहीं थम रहा गौवंशों का भूख से तड़प तड़प कर मरना। बताते चले कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लाख प्रयासों के बावजूद जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा अंतर्गत गौरी गांव के गौशाला में खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी कृपाल सिंह की अनदेखी से मर रहे दर्जनों गौवंश मामले की जानकारी भाकियू लोकतांत्रिक संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार सुबह राहगीरों ने फोन पर वार्ता कर बताया कि विकास खंड कोथावा के गौरी गांव गौशाला में 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते कौवे नोच नोच कर खा रहे। मौके पर पहुंचकर देखा गया तो स्थिति भयावह थी। वहां देख रेख कर रहे बाराती बाबा ने बताया कि सूखा भूसा तो है, पर चिन्नियों को साफ कर उसमें भूसा डालने वाले लोग कई दिनों से नहीं आए। निवर्तमान प्रधान सावित्री देवी के पुत्र प्रतिनिधि अरुण कुमार ने 2 कर्मचारियों को गौशाला की साफ सफाई एवं देखरेख के लिए अपनी तरफ से लगा रखा है, जो इस बार नहीं आए हैं, जिनके चलते गौवंश भूखे रहे और मर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार सेक्रेटरी खंड विकास अधिकारी को फ़ोन भी किया, पर उनके द्वारा किसी को भी अभी तक नहीं भेजा गया। जनपद हरदोई से संदीप त्रिवेदी की विशेष रिपोर्ट। आज जनपद हरदोई के विकास खंड कोथावा की गौशाला के बारे में फोन पर जानकारी दी गई थी। वहां के कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी थी, तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे। एक जिंदा गौवंश था गौशाला में, जिसको कौवे नोच रहे थे, उसकी आंखें नोच ले गए थे। और उसके साथ में कुछ गौवंश ऐसे पड़े थे कि वहां पर जो देखरेख करने वाले बाबा जी थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका आधा हिस्सा रात में सियार और जंगली जानवर नोच ले जा चुके, आधा हिस्सा पड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां हैं गौरी कोथावा गौशाला की, जनपद हरदोई की। इसको लेकर के हमने जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी, सभी को फोन किया और सबको जानकारी दी। उसके काफी देर के बाद वहां पर खंड विकास अधिकारी महोदय और कुछ अधिकारी वहां पर आए, और आने के बाद एक सेकंड भी नहीं रुके, मामले को पूछा भी नहीं और वहां से चलते बने। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी और जिला अधिकारी जी को टैग करके। उस पर पुलिस आई और उसने एक्शन लिया। वहां पर भी कुछ मीडिया कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे, जिनको वहां के जो निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा गौशाला के गेट के अंदर कवरेज करने जाने नहीं दिया गया। इसके साथ में बहुत ज़्यादा ही अनियमितताएँ बरती जा रही हैं कोथावा के गौरी गौशाला में, जहां कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे। उनसे जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहां पर ना तो कभी डॉक्टर आते हैं और ना ही कभी यहां पर कोई जिम्मेदार निरीक्षण करने आते हैं। यहां रोज 6-7 गौवंश मर जाते हैं और उनकी जो दुर्गंध है वो बराबर गाँव में आती है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जीना मुश्किल है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गौशाले में नहीं है। गंदगी की भरमार है, कई दिनों से गोबर नहीं उठाया गया है। तो इस मामले को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कई फोन किए, कई बार बात हुई और हमने बताया है कि 10 दिन के अंदर अगर व्यवस्थाएं सही नहीं की जाती हैं तो हम भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के लोग मेन सड़क मार्ग कोथावा को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। फिर चाहे आप शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे आप मुकदमा लिखें, चाहे मुझे जेल भेजें, हम गौ हत्याएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं करेंगे और ये बिल्कुल प्रण ले लिया गया है। आज करीब 4 घंटे हम लोग गौरी कोथावा गौशाला में रुके हैं, जहां पर कोई ठीक जिम्मेदार नहीं पहुंचा है, जिसने हमको सांत्वना दी होती और बताया होता। लास्ट में एक डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कार्य कराया गया है और वो वहाँ पर चल रहा था अभी भी। तो इस तरह से गौवंश मर रहे हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सूखा भूसा वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो भी चन्नियों में नहीं रखा था। हमने अपने किसान भाइयों से कह करके चन्नी साफ कराई, उसमें भूसा डलवाया, तो वहाँ पर हफ्तों से भूखे गौवंश उस भूसे पर टूट पड़े। ये स्थितियाँ हैं। जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं लोकतांत्रिक संगठन का सदस्य हूं, उसका जिम्मेदार युवा जिलाध्यक्ष हूं, और ये सब तरीके अगर अपनाए जाएंगे, गौ हत्याएं की जाएंगी, तो हम जगह जगह जनपद में सड़क जाम करेंगे। आपको अगर मुकदमा लिखना है या कोई कार्रवाई करनी है तो आप करते रहिए, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम
गौ हत्याएं बर्दाश्त करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत कुमार, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, यही कोथाव में ही रहते हैं। तो ये जेसीबी लेकर के आए हैं, इससे इस गौशाला में क्या करना है? गड्ढा खोदना है। क्या करना? गड्ढा खोदना है। उसके बाद ये आदमी है, अपन टोपी है। अच्छा, जानवर वगैरह। तो इसके पहले भी आप कई बार आए होंगे? कहाँ? यहाँ नहीं, गौशाला पे नहीं आए। अच्छा, आज केवल जो जानवर मरे हैं उनको दफनाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी लेकर आए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, गांव कौन सा है? आदमपुर। आप स्थानीय निवासी हैं, यहाँ विकासखंड कोथावा का जो गौरी गौशाला है, यहाँ पर आए दिन गौवंश मरते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? अब यहाँ रोज मरते हैं, मगर यहाँ कोई उठाने के लिए भी नहीं आ रहा है। टाइम से न चारा पा रहे हैं, न पानी पा रहे हैं। कोई लेबर हैं, लेबर यहाँ आते भी नहीं हैं। आज इलेक्शन हुआ है तब से कोई लेबर यहाँ नहीं देखा है। तो सब गोबर, इतनी गंदगी पड़ी है इसके अंदर। अब मरे हुए जानवर जो इतना गंधा रहे हैं, तो मेरे गांव तक गंध इसकी जाती है। हैं, तो इससे बीमारी भी फैल सकती है, मगर कोई इसकी सुनने वाला नहीं यहाँ है। तो इसके लिए आप जो सोचें वो करिए। क्या नाम है आपका? नाम कश कुमार है। गांव कौन सा है? आदमपुर। ये जो गौशाला, यहाँ पर बहुत अनियमितताएं है और दर्जनों जानवर रोज लगभग मर जा रहे हैं, कैसे क्या है कुछ बताएं? नहीं, इनकी कोई चारे की व्यवस्था होती है, न पानी की व्यवस्था, न इनके बैठने की व्यवस्था, न पाक सफाई की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, न यहाँ कोई कर्मचारी। एक साधारण बाबा यहाँ रहते हैं, उनकी बदौलत 200-300 जानवर ये उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ कोई आदमी नहीं तो कौन पानी पिलावे, कौन चारा डाले, और चारे की भी कमी खंड विकास अधिकारी महोदय कभी देखने नहीं आते हैं। एडीओ पंचायत सकल नहीं इनकी देखी गई, हम लोग पहचानते नहीं, जबकि हमारा गांव गौशाले पर ही है और हमारे लोगों की खेती भी गौशाले पर है। सारा काम हम लोगों देख रेख में होता है, मगर यहाँ एक जितने कर्मचारी इनके संबंधित हैं वो कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। और डॉक्टर की रही बात कि सकल हमने नहीं कभी देखी कैसा डॉक्टर यहाँ का है। ये यहाँ की स्थिति है, तो जानवर तो मरेंगे ही, क्योंकि बचाएगा कौन इनको। नाम है आपका? ललित कुमार। गांव कौन सा है? आदमपुर। ये आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, गौरी कोथामा गौशाला के, तो क्या है समस्या है यहाँ? जानवर 4-5 रोज मर जाते हैं। मर जाते हैं, चारा नहीं मिलता हो गया, फिर क्या होता है? उठा के तालाब में डाल देते हैं ट्रैक्टर से।